14 अगस्त पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन दिन, वो सुनहरी दिन जिसमें पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की और दुनिया के नक्शे पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से उभरा। इस दिन को हर पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहने के बावजूद हमेशा याद रखता है, और ये कहानी डेनमार्क में जश्न आज़ादी मनाने की अक्कासी करती है जो डेनपाक ग्रुप की काविशों से मुमकिन बनी। हाफिज उमर भट्ट साहब आए और तलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आपके लोग काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं यहाँ पे और अच्छे प्रोफेशंस में हैं, तो हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि आपको किस तरीके से एम्बेसी के साथ इन्वॉल्व करें और हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में आपसे कैसे कंट्रीब्यूट कर पाए। तो अभी पहले हम यूरोप की टिकट निकालेंगे, तो सबसे पहले पर्ची ये हमारे पास नए मेहमान हैं उसी निकलवाती राशिदा राशिदा ये जी पाकिस्तान की टिकट लिखी
तालियों की बहुत बहुत कम है पाकिस्तान जा रहे हैं वो हरियाणा सौ रहना तालियां हैं और आज में और में हम फिर भी पाकिस्तान का 14 अगस्त हम मना रहे हैं। और आज के इवेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगी, कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा है आज का इवेंट, माशाल्लाह। देखिए इतना मौसम भी खराब है और हमारे बच्चे सारे ही इसमें शामिल हैं और अपनी भरपूर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया।